नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान सीबीआई ने कार्तिक के खिलाफ नया मामला दर्ज कर लिया है। उन पर 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई तमिलनाडु में 3, मुंबई में 3, पंजाब में 1, कर्नाटक में 1 और उड़ीसा में 1 सहित 9 स्थानों पर तलाशी ले रही है। इसमें ऑफिस और घर शामिल है। दिल्ली में पी चिदम्बरम के घर का गेट बंद होने के कारण सीबीआई के अधिकारी गेट फांद कर अंदर घुसे। सूत्रों के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। छापेमारी सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को आईएनएक्स मीडिया मामले में लेन देन की जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। बता दें कि वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में मदद की। पंजाब में स्थित तलवड़ी साबो पार लिमिटेड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए चीनी मजदूरों को वीजा दिलाया गया था। कार्रवाई के बाद कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये कितनी बार हुआ है, मैं गिनती भी भूल गया हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला साल 2007 का है और आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोपों के मुताबिक पी चिदम्बरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया हाउस को 305 करोड़ रुपए का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB से मंजूरी दिलाई थी। इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदम्बरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल मेडिसिस डील में भी चिदम्बरम आरोपी हैं। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया। मार्च 2018 में इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को दिए बयान में बताया था कि आईएनएक्स मीडिया को FIPB से मंजूरी दिलाने के लिए उनके और कार्ति चिदम्बरम के बीच 10 लाख अमेरिकी डॉलर की एक डील हुई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य दोषी इंद्राणी को आईएनएक्स केस मामले में मुख्य गवाह बनाने की सहमति दे दी थी। इसके बाद आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर 16 अक्टूबर को इसी मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था। 4 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। ईडी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को जमानत दे दी है। वहीं आपको बता दें, पी चिदम्बरम 106 दिन तिहाड़ जेल में रहे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।